तो अभी ये जाम पड़ गया। तो ये तो फ्री है लेकिन ये जाम पड़ गई, तो हम इसको कैसे फ्री करेंगे? ऐसे पकड़ के देखे चला रहे तो ये चल रही है लेकिन बहुत जाम पड़ रही है, तो हम इसको फ्री कैसे करेंगे वही आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इस तरह इसको मार नीचे के हिस्सा में मारेंगे क्योंकि ये ऊपर के हिस्सा में जाम पड़ी है। यहाँ इतना बाहर आ गई है, लेकिन बाहर तो आ गई है लेकिन जाम पड़ रही है। पहले हम देख लेंगे कि जाम कहाँ पड़ रही है। ये देखिए यहाँ से नीचे के हिस्सा में हटा हुआ है, ऊपर के हिस्सा में थोड़ा सा हटा हुआ है, यानी ये थोड़ा ऐसे बैंड करके फिट हुई है। तो हम इसको वो साइड से हम यहाँ पे नीचे के हिस्सा में मारेंगे ताकि ये बीस सेंटर में आ जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे जाके फंसी हुई है, ये देखिए ये जो बोल्ट है ना ऐसे जाए क्रॉस गई है, तो हम ये यहाँ से क्रॉस हो जाती है, अंदर का जो बड़ा रिंग रहती है ना रिंग की वजह से क्रॉस चली जाती है। तो हम इसको अगर यहाँ पे मारने का जगह रहता तो यहाँ से भी मारे तो सही हो जाती है, लेकिन देखता हूँ अगर यहाँ से बोल्ट जाती है तो मैं मार सकता हूँ लेकिन नहीं जाएगी। यहाँ पे मारेंगे ताकि यहाँ पे मारे तो यहाँ से हट जाएगी। देखिए थोड़ा फ्री हो रही है, तो इसी तरह से हम इसको मारेंगे। थोड़ा थोड़ा फ्री हो रही है, ये बड़ा ऐसा गोल रेड है। थोड़ा सा ये बाजू झुका के मारेंगे, थोड़ा सा ये बाजू झुकाएंगे, थोड़ा सा ये बाजू झुकाएंगे, फिर थोड़ा सा ये बाजू झुकाएंगे, तो ऐसे फ्री कर लेंगे हम इसको। और थोड़ा सा अब इसको देखिए अब ये फ्री हो गई है, यानी अभी भी टाइट है, ये बिल्कुल फ्री हो जाना। तो हम इसको फंसाएंगे और इसको इस तरह बोल्ट में मारेंगे ताकि ये हमारा ख़राब ना हो। को क्या करेंगे थोड़ा सा और ये चारों तरफ से हल्लू हल्लू इसको ये देखिए पहले यहाँ से फिर नहीं रहा था, अभी ये फिर रही है क्योंकि अभी ये निकाले हैं इसका आयल सूख गई है, तो यहाँ से फिर रही है, तो इसका मतलब है चक्की डाले और थोड़ा सा इसको मोटर पे लगा दिए तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ताकि पूरा आयल हर जगह चली जाएगी तो फ्री हो जाएगी। तो अब हम इसको टाइट कर लेंगे ये, क्योंकि इतना फ्री रहना चाहिए, हाँ यानी हाथ से फिरना चाहिए, हाथ से नहीं फिरा तो समझ लीजिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हम एक छोटा सा बोल्ट था यहाँ पे, तो ये छोटा सा बोल्ट इसमें टाइट कर लेंगे। हम इसको चेक कर लेंगे ये ब्रेकर को, तो हम इतना भी फिट कर लेंगे।
फिर इसको बाद में मिलाना पड़ता है। ये इसमें दो ही बोल्ट रहती है तो ये चल रही है, तो कहीं पे अभी अटकी है शायद। तो ये हम इधर का जो बोल्ट है ये रट तो नहीं टाइट किए थे, इसकी वजह से ये अटक रही थी। अभी ये हम ये नीचे का ये टाइट कर लिए तो ये अटकेगी नहीं। बस यहाँ पे इसके ऑपोजिट ये बोल्ट और यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये इससे हमारा ये ब्रेकर रिवर्स होती है, ये दांत आगे पीछे जाती है। तो हम जिसके बारे में इससे पहले बता दिए थे तो यही मेन यही है जिससे आगे पीछे करते हैं। तो हम इसको टाइट कर लेंगे पहले, तो ये बोल्ट को तो मैंने ये दोनों बोल्ट को मैं टाइट कर लिया हूँ। गौर कर लीजिए ये ऊपर जिसमें ये दांतरी लगी रहती है, तो ये ऊपर वाला ब्रेकर जिसमें ब्रेकर फिट है तो ब्रेकर वाला बोल्ट ऊपर रहेगी और बाकी जो इंजन का गोल चक्री है जो राउंड फिरती है ये बोल्ट यहाँ ये रड यहाँ पे फिट होगी। तो ये देख लीजिए वो देखिए ये फर्स्ट का रड धात्री वाले रड में लगेगी और दूसरा ये गोल चक्की का रड है तो ये इसमें लगेगी। तो ये भी धात्री को सपोर्ट के लिए ही ये आगे पीछे करती है। तो हम इसको पलटी कर लेते हैं ऐसा। यहाँ पे राउंड है, ये राउंड ऐसे फिर के और ये बोल्ट यहाँ पे आ जाए ये खांचा के सामने। अब तब क्या करेंगे सामने का फिटिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे टेंशन फिट करेंगे। तो ये टेंशन को पहले बोल्ट ढीला कर लेंगे, अंदर देख लेंगे यदि कि अंदर में बोल्ट रहती है बाहर ना दिखे, इसको ढीला कर लेंगे बोल्ट को। बोल्ट को ढीला कर लेंगे और यहाँ पे खांच रहती है देखिए, ये खांच एक सीधा खांच रहती है। तो ये इसको ऐसे फिरा लेंगे, ये खांच के पास ऐसे सीधा रखेंगे, ऐसे हिला हिला के अंदर डालेंगे। अब ये बोल्ट से हम इसको इस तरह मारेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, हल्लू हल्लू इसको मारना है ताकि अंदर जाके बैठ जाए।
बैठ गई है, अब इसको हम टाइट कर लेंगे यहाँ पर, बोल्ट तो हिलेगी नहीं। अब यहाँ पे ये जो बोल्ट है, बड़ा बोल्ट, ये बोल्ट टाइट कर लेंगे। अच्छा से टाइट कर लेंगे तो इस तरह ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे ताकि ये दो बोल्ट रहेगी तो सपोर्ट हो जाएगी या फिर रहेगी नहीं। अगर ये सही से टाइट नहीं है तो आपका अब इसको फिरा के देंगे, देखेंगे कि कहीं पे बोल्ट तो ये खांचा या कहीं यहाँ पे अटक तो नहीं रही है, तो ये अटक नहीं रही है। अब क्या करेंगे, ये जो लिंक सेट है इसका जो खांचा है, ये जो खांचा है ये बाजू रखेंगे, यहाँ पे जो बोल्ट है बोल्ट के ऑपोजिट रहेगी, इस तरह रख लेंगे। और इस तरह इसको हल्लू हल्लू ठोकेंगे। तो इसको फुल टाइट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे ताकि ये फ्री हो, बाद में इसको हम टाइट कर लेंगे। क्योंकि ये यहाँ ऊपर पे आके थोड़ा अटक जाती है तो हम देख लेंगे, तो ये अच्छा फिसल रही है। तो हम ये क्या करेंगे, ऐसे फंसा लेंगे और फिर आके देखेंगे। अब फिर आके देखेंगे यानी कहीं पे नहीं अटकना चाहिए। तो यहाँ अटक नहीं रही है, तो हम इतना पे इसको हम रखेंगे और इसको फिटिंग करेंगे। ये जो खांच है ये बाजू रखेंगे, यानी ये बोल्ट के पास ये खांच आके फिट हो जाए। ये कहीं पे जाम पड़ रही है, पहले एक सिंगल लगा के देख लेंगे कि कहाँ पे फंस रही है, शायद इसमें ऑयल का ज़रूरत है तो हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। इसके अंदर भी अच्छा से ऑयल डाल देंगे। इसको इस तरह पकड़ के
हल्लू हल्लू ठोके हैं इसको। ये बोल्ट के पास ऐसा रहेगा खांचा, थोड़ा लूज कर लेंगे इसको। क्या करेंगे, ये बोल्ट पहले हम टाइट कर लेंगे, तभी इसको हम चेक करेंगे। तो फ्री हो गई है, अब यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। और यहाँ पे भी ऑयल डाल देंगे। तो अब ज़्यादा फ्री हो गए, फंसा लेंगे ये बिल्कुल। हम इस तरह नीचे कर लेंगे और इस तरह फंसा लेंगे। और ये सुई सलाई को इस तरह अंदर डाल लेंगे, इस तरह। इसका ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये इस तरह रहेगी नीचे। और इतना पे रहेगी, तो इतना एक उंगुल भर, एक उंगुल से थोड़ा सा ज़्यादा इतना छोड़ देंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। तो ये सही फिर रही है। तो ये ऊपर का सपोर्ट के लिए बोल्ट हम ऐसे डाल देंगे। अब ये टेंशन रड डालेंगे अंदर। तो पहले हम इसको, तो पहले ये वाले खांच को हम डालेंगे। ये यहाँ पे जो खांच है इसमें फंस जाएगी। फिर इसके बाद ये जिससे चाप उठेगी, तो हम दोनों को अलग अलग करके हम इसको अंदर डालेंगे। नहीं तो अभी अगर दोनों को साथ में कर लेंगे तो क्या है, जाम पड़ जाएगी। तो ये दोनों, तो इसको थोड़ा और नीचे करेंगे बस। और इसमें स्प्रिंग लगा देंगे। और ये बोल्ट को हम अच्छा से टाइट कर लेंगे। अभी ये स्प्रिंग को अंदर डाल के अच्छा से फिराएंगे ताकि ये अंदर चली जाए। तो ये वर्क कर रही है।
और इसको थोड़ा अंदर डाल देंगे। थोड़ा इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसका दाब बैठा के बोल्ट टाइट कर लेंगे। अब इधर ये चक्की फंसा के अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये चल रही है, यानी कहीं पर अटक नहीं रही है। तो ये क्या है, ये स्लिप हो गई है, इसके वजह से मैं यहाँ पे वेल्डिंग मार के इसको फंसा रखा हूँ। क्या करेंगे, ये प्लेट को लगा लेंगे। अब इस ये चक्की में ग्रीस लगाएंगे। तो ये ग्रीस ले लिया हूँ इस तरह करके। अब चारों तरफ से अच्छा से ग्रीस लगा देंगे। ये ग्रीस लगाने से क्या होती है, फ्री हो जाती है। तो ये हल्का हो गई है, ग्रीस लगाती है माता, ये हल्का हो गई है चक्की। ये देखिए, थोड़ा और लगा देंगे। उसके बाद ये डब्बी इसमें बैठेगी, ये जो बॉक्स है, बॉक्स ये चक्की है, ये बॉक्स उसमें जाके बैठ जाएगी। तो ये इस तरह आएगी, इस तरह बैठेगी। तो मैं कभी किसी और वीडियो में इसको लगाना बताऊंगा, क्योंकि तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब ग्रीस क्या करेंगे, इसमें भी लगा लेंगे। इसमें भी एक बॉक्स बैठती है। इसमें जब बॉक्स रहेगी तब ग्रीस ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे एक ये यहाँ पे जो बोल्ट दिख रही है, यहाँ पे स्प्रिंग लगाना है। तो ये स्प्रिंग इस तरह हम ऐसे फंसा लेंगे। फंसाने के बाद तो ये टाइट हो गई है, स्प्रिंग को अब नीचे कर लेंगे, नीचे खींच लेंगे। अब ब्रेकर लगाएंगे। इसको
इतना भी फिट करेंगे। शायद ये उल्टा फिट कर दिए थे। स्लिप ना हुए, ये देखिए। तो ये थोड़ा अटक रही है, स्प्रिंग लगाएंगे तो सही हो जाएगी। इस तरह पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। और इस तरह फंसा लेंगे। ये फंस गए, ये देखिए, ये खांच में फंसा लेंगे। उसके बाद ये बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। तो ये टाइट हो गए। अब इसका सिर्फ अब एक ही काम रह गया है कि आप टाँका मिलाना। तो टाँका मिलाना तो का सिर्फ शटल खोलेंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर टाँका छोड़ेगी तो शटल खोल के नीचे का टाइमिंग मिला लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वीडियो। तो आप यकीनन कि आपको अब समझ में आ गई होगी कि आप पूरा डिटेल से बताए नहीं, तो हम पूरा डिटेल से इस बार बता दिए। पूरा पार्ट, ये इंजन का पूरा पार्ट खोल के पूरा पार्ट फिटिंग करके दिखा दिए। ये कि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, तो दो या तीन पार्ट में ये आपको कंप्लीट शायद हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल कमेंट करें।